इंडियन आर्मी है वो काफ़ी जो है ना पावरफुल हो गई है। जब चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उन्हें अच्छे अच्छे और एडवांस इक्विपमेंट वहाँ पे लगवाया बॉर्डर पे, और उनकी पूरी कौम ने जो है ना उनकी आर्मी को सपोर्ट किया। रशिया को तोड़ने वाले भी हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? तो पाकिस्तान से ज्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनकी 90 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। के दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कदम नहीं रखना चाहता। सही बात है। सेकंडली जो जंग की सूरत हाल के अंदर है, ऑब्वियसली एक रिसोर्सेज ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास जंगी वेपन्स वगैरह हर चीज ज्यादा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भारत मोस्ट पावरफुल की रैंकिंग के अंदर चौथे नंबर पे पहुंच गया है, उसी रैंकिंग के अंदर 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। पता नहीं किस चीज में पावरफुल बन गया वो, ये तो भगवान जाने। इसके साथ साथ इंडिया ने 3.1 ट्रिलियन मिलियन डॉलर पार कर दिए हैं, तो बधाई है आपको भी और मुझे भी। और भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट हो और पाकिस्तानी शांत कैसे रह सकते हैं, तो रह ही नहीं सकते। अबे साले, तो मैडम निकल गई है माइक पकड़ के पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए। और पाकिस्तानी पब्लिक का एजुकेशन लेवल, आईक्यू लेवल तो आपको पता ही है कि किस लेवल का है, तो वीडियो में आपको तो आने वाला है मजा। अभी मजा आएगा ना। इंडिया चौथे रैंक पर खड़ा है मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में और हम 15वें रैंक पर हैं, क्या वजह नजर आती है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना वो एज सच जो है ना वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, फिर दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जो है ना वो पावरफुल का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है कि आप जो है ना वो अपनी लाइक पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो भेज सकते हैं। अब आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का वहाँ पर जो बिग वहाँ पर जो रिसोर्सेज है ना, मोस्ट टेक कंपनीज जो हैं इंटरनेशनली वो वहाँ पर जो है ना वो अपने हेडक्वार्टर्स बना रही हैं। बस लाइक है क्या, क्यों बना रही हैं? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है ना वो, एक तो चलो जी वो सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी मार्केट होना जो है ना उसके लिए पावरफुल नहीं है। उसी हिसाब से तो भाई यूएसए को जो है ना वो कम होना चाहिए। कौन है? लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर जितने भी आप कह लें कि जितनी भी बिग जॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की, उनके हेड कौन से हैं इस टाइम? वो है, इस वजह से वो जो है ना वो अपनी डेमोक्रेसी को प्रिवेल करते हैं। इवन के वहाँ पे जो जितने भी उनके नेशनल लीडर्स हैं वो सारे के सारे हिंदुत्व पे हैं। ओ भाई सुनो 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 सुनो, सारे हिंदुत्व पे नहीं है, सिर्फ जो कुछ तो चुनावी हिंदू होते हैं जो चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, बाद में फिर अपने रुद्राक्षी माला को पेड़ पे टांग के इटली निकल जाते हैं। और मैं हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को बोलना चाहूंगा कि भाई इन चुनावी हिंदुओं से सावधान रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन उनका नैरेटिव जो है ना वो फिर भी पॉजिटिव प्रिवेल करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस वजह से फिर जो बहुत सारी सैंक्शंस है ना उनको नहीं लगती है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म तो है नहीं, वी आर लिविंग इन अ पीस। या तो ये मेरा भाई बहुत मासूम है या फिर एक नंबर का धूर्त और मक्कार है और झूठा है। अरे भाई मेरे भाई, होश के नाखून चबाओ। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई जनक है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरी दुनिया में यही बताया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे पता नहीं कितना टेररिज्म है, उस वजह से फिर इंटरनेशनल रैंकिंग में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डाउन लिखे जाती हैं।
तो इंडिया का ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और सेकेंडली ये है क्योंकि वो बिगेस्ट मार्केट है, इस वजह से कोई भी कंट्री, इवन कि आप रिसेंटली देख लेंगे चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकता था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनकी 90 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो आपस में ट्रेड है। तो जब आप इस तरह से होते हो ना तो फिर आप पावरफुल कंट्री होते हो, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इंडिया कब और कैसे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो आज इतना पावरफुल मुल्क बन गया है और हम कहीं पीछे रह गए हैं? देखें उसकी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आप सबसे पहले ये देखें कि उनमें जो जैसी भी रही है कंटिन्यूसली जो है ना एक डेमोक्रेसी रही, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। दूसरी बात यह है कि हम उसके साथ कंपेयर तो जो है ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान को माजी अगर पाकिस्तान का देखें तो जितने मसाइल का सामना पाकिस्तान को रहा है उतना पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ, थोड़ी बहुत एजुकेशन याफ्ता हूँ लेकिन मैं ये हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते ये दावा करता हूँ कि आप इतने क्राइसिस में दुनिया का कोई और मुल्क दिखा लें जो गुजरा हो। कि पाकिस्तान चूँकि दहशतगर्दी की लपेट में ही इतना रहा कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? अभी तक पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेस मैन कदम नहीं रखना चाहता क्योंकि उसको गारंटी नहीं है, श्योरिटी ही नहीं है कि भाई मैं पाकिस्तान बिजनेस लेके आऊँ करोड़ों रुपए और यहाँ आके डुबो दे। भाई साहब बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पाकिस्तान पे कि यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन आएगा वो अपने पैसे डुबोएगा ही डुबोएगा। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी में अब क्वांटम कंप्यूटर पे हम चले गए हैं, ठीक है ना, दुनिया इस पे काम कर रही है। तो इसमें ये देखना होगा कि कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इसमें से थोड़ा सा लैग कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जबकि इंडिया उसमें हमसे आगे जा रहे हैं। आप देखें कि जनाब सिलिकॉन वैली में कौन सीईओ बैठा हुआ है, इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं, बाकी जो है गूगल में देख लें, ट्विटर में देख लें, तो इंडिया हमसे जो है ना टेक्नोलॉजिकली आगे है। तो हमें भी उसी तरह टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, वो डिफेंस के पर्पज़ पे हो, एजुकेशन के पर्पज़ पे हो, डिवेलपमेंट के पर्पज़ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से, हेल्थ के पर्पज़ से हो, तो हमें टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। भाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कभी भी अव्वल नहीं हो सकता, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, उसका रीजन है आसमानी, क्योंकि आसमानी किताब के अंदर बिल्कुल टेक्नोलॉजी हराम है। जो तुम मोबाइल में टीवी, गाना नाचना गाना और ये मोबाइल लाउड स्पीकर ये सब हराम है, क्योंकि ये यहूदियों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने बनाए और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो तुम टेक्नोलॉजी में कभी भी नंबर वन नहीं बन सकते, जो बात कुरान में जायज है तुम उसी में नंबर वन हो, और उसके लिए तुम्हें प्राउड करना चाहिए कि तुम दुनिया के नंबर वन आतंकवादी एक्सपोर्ट करते हो, तुम नंबर वन जिहादी बनाते हो और पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखे हो, तो इस बात पे तुमको होना चाहिए प्राउड। आपको क्या लगता है कैसी अचीवमेंट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कंसिडरिंग कि वो भी हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे और उनका भी सारा ग्रोथ वगैरह हमारे साथ ही हुई थी, एंड दे आर डूइंग सच ग्रेट थिंग्स। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वहाँ पर इतनी ग्रोथ हो रही है और इतनी एजुकेशनल अवेयरनेस है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ैनब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के बारे में, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है स्पार को, वो इतना ग्रो नहीं कर रही है, हमारी स्पेस की तरफ अटेंशन नहीं है, आपको क्या लगता है किस जगह पर हम लैग कर रहे हैं? आई थिंक जो मेन स्पेस की बात तो बहुत दूर तक आती है, जो हमारी कंट्री में एजुकेशनल अवेयरनेस है ना वो ही इतनी कम है। तो जब एजुकेशन ही नहीं है लोगों में, अवेयरनेस ही नहीं है इन चीज़ों में, तो स्पेस का तो बहुत दूर की बात है कि वो सोचेंगे। हमारी कंट्री में जो हमारा कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम है वो ही इतना इस वक्त ऐसी हालत में है कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, मैं अभी बाहर पढ़ती हूँ तो मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, जब मैं देखती हूँ कि उनकी क्या बेस बनी हुई है एजुकेशन में, फिर मैं कंपेरेटिवली यहाँ का देखती हूँ तो इतना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और उसकी वजह से मुझे फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग जो इतनी अचीव अचीवमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग जो इतनी चीज़ें लाइक इन्वेंट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और इस तरह की अचीवमेंट्स उनकी हो रही हैं, वो किस लेवल की और हमारी किस लेवल की, वो मुझे उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो बेस ही लैक हो रही है। तो आगे भाई साहब किसी पाकिस्तानी लड़की का इतना एक्यूरेट आंसर सुनने के बाद मैं सैल्यूट मैडम आपको। ये लड़की भी इतनी एक्यूरेट क्यों हो गई है, इसका रीजन भी इसी ने बताया कि ये रहती है बार बार पढ़ाई करती है जहाँ पे इसके इंडियन फ्रेंड भी है। और इंडिया ने रशिया को बीट करके ये रैंक हासिल किया है। रशिया के तोड़ने वाले भी हम हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोवियत यूनियन हमने ही तोड़ी हुई है, औकात में रहो। तो पाकिस्तान से ज़्यादा यानी कोई स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडली जो जंग की सूरत हाल के अंदर है, ऑब्वियसली एक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास जंगी वेपन्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर से वही आ जाती है कि हम लोग तो जितने हमें 70 साल हो गए तो हम 70 साल से जंग के अंदर हैं और हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक
मुस्लिम्स आर बेटर इन दिस सेंस के किस तरह से लेकर चला जाए। ये देखो सोवियत को तोड़ने वाले, रूस को तोड़ने वाले आज दुनिया के आगे कटोरा लेके खड़े हुए हैं और ये तोड़ने वाले, मतलब रस्सी जल गई है, बल नहीं गया अभी तक इन लोगों का।